नमस्कार। देखिए मैं बना रही हूँ आलू के मलाई कोफ्ते। इसके लिए मैंने प्याज ली है 3 बड़ी, ये मैंने टमाटर जिसकी मैंने ग्रेवी बना ली है, ये हरा धनिया बारीक काट के, ये जीरा आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार, ये आधा चम्मच हल्दी और चौथाई चम्मच गरम मसाला, ये क्रीम, आप मार्केट से ले सकते हैं, घर का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हींग, हींग आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोफ्ते के लिए मैंने आलू उबाल के रख लिए थे और वो ठंडे हो गए थे। अब देखिए मैंने आलू कस लिए हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा गोभी कसा है, पनीर, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, इसको मैं सारी चीज़ को मिला रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं आप इसमें। देखिए मिक्स हो रहा है, आलूओं को गरम ना कसे नहीं तो वो फैस से जाते हैं, इसलिए मैंने ठंडे करके, और देखिए अब मैं हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर, या आप पानी लगाना चाहें तो पानी भी लगा सकती हैं, मैंने हल्का सा लगा के और मैं इस टाइप के बना रही हूँ। आप गोल बनाएं तो गोल बनाएं, या नहीं तो ऐसे बनाएं, जैसा आपका मन हो वैसे बनाएं। मैं थोड़े चपटे से बना रही हूँ। और इसको मैं फिर बाद में अरारोट का पाउडर लेके उसमें पानी मिला के थोड़ा सा और घोल बना लेंगे। देखिए मैंने 2 चम्मच अरारोट का पाउडर लिया है, इसमें पानी मिला के इसको मैं घोल बनाकर, इससे ये तो चिपकेंगे नहीं, और दूसरा वो फैसते नहीं है, नहीं तो डालने पे ये फैस जाते हैं। आप देखें तो टिक्की में भी अरारोट का पाउडर डालते हैं, अगर आप डालना चाहें तो इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं मैश किए हुए आलूओं में, मगर मैं ऊपर से लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको करना है, देखिए, और आप इसमें एक एक छोड़ते जाइए, थोड़ा गैप में छोड़िए, आपस में चिपके नहीं, नहीं तो वो फूट जाएंगे। देखिए थोड़ा गैप छोड़ के तब इसमें डालें, जितना इसमें आराम से आ जाए आपकी कढ़ाई में। देखिए इस तरह से मीडियम फ्लेम पर आपको ये गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने हैं, फ्लेम कम ही रखें नहीं तो जल जाएंगे। देखिए सिकने लगे हैं,
अब इसको पलट कर देते हैं। देखिए अब इसे दूसरी साइड से सेकने लगते हैं। अगर आपको लगे चिपक रहा है तो उसे ना छुड़ाएं। देखिए ये अपने आराम से छूट गया। देखिए ये खूब अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। हम इसे निकाल कर रख देते हैं। इसी टाइप से आपको सारे सेकने हैं। यह है कोफ्ते होटल्स वाले स्टाइल में बना रही हूँ मैं, और होटल से भी टेस्टी बनते हैं। आपके घर पे गेस्ट आए तो आप झटपट ये मलाई कोफ्ता बना सकती हैं। देखिए इस टाइप से देखिए मेरे सिक्कर तैयार हो गए थे। अब मैं इधर मसाला भून रही हूँ। देखिए मेरा मसाला अब भून चुका है। मैंने पहले प्याज इसे अच्छी तरह भून रही हूँ। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए आपको मसाला को अच्छी तरह भूनना है। देखिए अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी डाली और इसको भी अच्छी तरह हम भूनेंगे। आप मसाले को चलाते रहिए धीमी गैस पर, नहीं तो ये जल जाएगा। गैस मीडियम ही रखिए। और देखिए मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था। जितनी प्याज थी उतने ही मेरे टमाटर थे, क्योंकि ये ग्रेवी गाढ़ी बनती है। इसलिए चाहे तो आप इसमें पोस्त दाने को फुलाकर उसे बारीक पीस कर इसमें भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर काजू का पेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं। जो लोग प्याज नहीं खाते वो इसमें काजू का पेस्ट और उसको देखिए मसाला भुन रहा है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च, काजू का पेस्ट और पोस्त दाना को पीस कर भी आप इसमें मिला सकती हैं। ये मैं किचन किंग आधा चम्मच, ये गरम मसाला मेरा चौथाई चम्मच, अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। देखिए मसाला ऑयल भी छोड़ने लगा है। आप जितना मसाला अच्छी तरह भूनेंगी उतना ही टेस्टी आपका मलाई कोफ्ता बनेगा। देखिए क्रीम डाल रही हूँ और इसको भी डालकर फिर मिलाएंगे। और जब आप मलाई कोफ्ता बनाएं तो मुझे कमेंट करके बताएं आपका कैसा बना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए मेरा मसाला भुनने लगा है। इसकी ग्रेवी को हम गाढ़ा ही रखते हैं। देखिए यह है पानी, अपने अकॉर्डिंग डालें। देखिए ग्रेवी गाढ़ी ही है। और जो लोग प्याज नहीं खाते वो पोस्त दाना और काजू का पेस्ट का यूज करें, और ये नमक स्वाद अनुसार। देखिए ये तैयार है। अब इसमें देखिए ग्रेवी मेरी अच्छी तरह से खौल रही है। इसमें अब हम एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे, और इसको ज़्यादा गर्म फिर नहीं खोलाना, नहीं तो फैस जाते हैं। देखिए अब मेरे तैयार हैं मलाई कोफ्ता। देखिए तैयार है मेरा मलाई कोफ्ता। फिर मिलते हैं अगली बार नई रेसिपी के साथ। जब तक धन्यवाद।
सब्सक्राइब प्लीज़।